हमने स्पष्ट अपनी विरोध जता दी है। जो केंद्र सरकार नए स्वरूप बनाने का चेष्टा कर रही है, उस स्वरूप को देखने के बाद प्रथम दृष्टया में मुझे ऐसा प्रतीत हुआ है कि मुझे लगता है कि उस नए विद्युतीकरण के स्वरूप से राज्य सरकार, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, उनको अस्थिर करने का एक षड्यंत्र के रूप में देखा जा सकता है। क्योंकि अभी लगातार आप देख रहे हैं कि किस तरीके से देश में नीतियां बन रही हैं, करनी और कथनी में बिल्कुल अलग अलग स्पष्ट चेहरे सामने उभर के आ रहे हैं। कल ही हम कुछ चैनलों में दो खबरों को देख रहे थे, एक ही चैनल में दो खबरों को देख रहे थे कि रेल मंत्री के पार्लियामेंट में रेल निजीकरण को लेकर के अपनी भाषण, और दूसरी तरफ बड़ी संख्या में रेल को निजीकरण करने की कार्यक्रम की शुरुआत। तो इस वजह से देश में बन रहे नीतियों पर बहुत ध्यान से, चिंतन के साथ देखने की आवश्यकता है। कहीं उन नियमों से देश का ये फेडरल स्ट्रक्चर ढहाने की कोई कोशिश तो नहीं हो रही, या फिर इस देश की जो फेडरल सिस्टम है उस सिस्टम का जो एक व्यवस्था था वो व्यवस्था खत्म तो नहीं हो रही।